आज मैं जा रही हूँ, सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरे को 11 बजे तक RTO जाना है। आज अपना लाइसेंस अप्लाई कर रही हूँ। है तो मुझे स्कूटी चलानी तो 2 साल से आती है, बट अभी तक लाइसेंस नहीं अप्लाई करा। सोच रही थी कल करूँगी तो आज तक लाइसेंस अप्लाई नहीं हुआ। सो आज मैं अपने लिए लाइसेंस अप्लाई करने जा रही हूँ कालेश्वर कर्णप्रयाग में। RTO यहाँ का कालेश्वर है और यहाँ से वो 4 किलोमीटर दूर है। तो पहले हम कर्णप्रयाग मार्केट जाएंगे गाड़ी पकड़ने के लिए, और फिर वहाँ से हमें जो गाड़ी मिलेगी फिर हम वहाँ से कालेश्वर तक जाएंगे। कालेश्वर तक जाने के बाद हमको वहाँ से शायद गाड़ी मुश्किल चलती है, पर देखते हैं जैसा भी होता है कहाँ तक छोड़ती है हमें गाड़ी वाला भी। और मैं जा रहे हैं अब आरटीओ ऑफिस जाने के बाद। वैसे तो RTO के लिए शायद अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड और एक और चीज़ होती है फ़ोटो चाहिए होती है। तो मैं अपने तीनों डॉक्यूमेंट रख लेती हूँ और आज मैं करूँगी अपना लाइसेंस अप्लाई। सो मीट यू गाइस। अबे हम रेमिक शुरू करते ही हैं यार, तुम समझ में नहीं रहे हो। तो अपना आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकालती हैं और अब हम गाड़ी भी मिले टाइम पे, तो हम जा रहे हैं कालेश्वर। सामने पे RTO, पर दिमाग देख रहे हो यहाँ पे रेलिंग लगाई हुई है पूरा वहाँ, और आप यहाँ से सीढ़ी है नीचे जाने के लिए। सो अब हम RTO जाएंगे। मैंने अपना आधार कार्ड की फ़ोटो और अपनी फ़ोटोज़ और 10th क्लास की मार्कशीट रख दी है। लेट्स सी। ये मारती भी है। हेलो सो फाइनली वी रिस्ट। ये है कालेश्वर का, पूरे कर्णप्रयाग का है ना, ये कर्णप्रयाग का RTO ऑफिस। वैसे यहाँ पर है तो दुकान भी फोटो कॉपी वगैरह की, और हम निकाल के आए पहले से, हमें लगा शायद यहाँ पे दुकानें ना मिले, है ना। लर्निंग का टेस्ट देके मैं बाहर आ गई हूँ। मेरे आए 15 में से 12 मार्क्स, चलो अच्छे हैं। और उन्होंने बोला कि नवंबर लास्ट में आना है मेरे को टेस्ट के लिए। चलो स्कूटी चलानी तो आती है, पर कार चलाने में सीख जाऊंगा थोड़ा बहुत। लेट्स सी कैसे होता है अपना काम। अब तो मस्सा पुल बन रहा है वहाँ पे कालेश्वर में, और अभी हम वॉक करते करते पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस धूप में मुझे कोई गाड़ी मिल नहीं रही है हमको। तो और कोई गाड़ी आएगी तो फिर उस पर जाना पड़ेगा, वरना बैक करते करते नीचे पूरा कालेश्वर है। गाइस हम कालेश्वर से घर आ गए हैं। मेरा लाइसेंस का लर्निंग लाइसेंस अप्लाई हो चुका है, और हमको आने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली तो लिफ्ट लेकर हमको आना पड़ा। वैसे तो 5 किलोमीटर है, चल के भी आ सकते थे, पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी तो लिफ्ट लेके आ घर तक आ गए। सो हमने खाना खा लिया है ऑलमोस्ट, और अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के गाँव। तो फिर वहाँ मिलते हैं, वहाँ गाँव का लाइफ कैसी होती, कल्चर कैसा होता है, ये सब मैं आपको बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।